तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा खास कुरानी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसको पढ़कर पानी पर दम करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिमाग को खोल देंगे। आप जो भी याद करेंगे इंशाल्लाह कम वक्त में आपको वो याद हो जाएगा और जो आपको याद होगा वो काफी देर तक आपके दिमाग में महफूज रहेगा। आजकल जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी जो खुराक है वो चाहे हम ढूंढ के अच्छी से अच्छी खुराक भी लाएं तो वो भी हमें मिलावट ज़दा ही मिलेगी, और ये खुराक खाकर वैसे भी हमारे दिमाग मफलूज हुए हुए हैं, हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती। तो इसलिए खुराक के साथ साथ दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुराक भी ज़रूरी है, नींद भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो कि अपनी औलाद के लिए परेशान हैं कि उनकी औलाद के इम्तिहानात आने वाले हैं, लेकिन उनके बच्चे वो या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो सिला नहीं मिलता, यानी बहुत मेहनत करते हैं वो लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं होता, या इस वजह से तंग होकर बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है कि हम पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता, या ऐसे बच्चे कि जो कि खुद मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कोई खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, उनके लिए ऐसा अमल है कि जिसके करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी तौर पर उनकी मदद फरमाएंगे। अमल की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सके। इस अमल के करने की इजाजत आपको है, इसलिए आपको हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप में से जो भी अहबाब इस अमल को करना चाह रहे हैं, आपने करना सिर्फ यह है कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर कर देना है। इससे यह होगा कि हमें पता चल जाएगा कि फलां दिन से आपने इस अमल को स्टार्ट किया है और हम आपके लिए इंशाअल्लाह उस अमल में कामयाबी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ कर सकेंगे। तो अमल कुछ इस तरह से है कि आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले अपने आप को दीन के ताबे करना है। दीन के ताबे करने से मराद यह है कि हम पर जो फराइज अल्लाह की तरफ से लाजिम है, जो कि हम पर फर्ज है, उनको हम अदा करने वाले बन जाएं। और फराइज में सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फर्ज नमाज का है, इसलिए नमाज का एहतमाम खुद भी करें और अपने बच्चों को भी सख्ती से नमाज की तलकीन करें। और खास तौर पर जिन बच्चों के इम्तिहानात होने हैं आपसे भी ये मैं गुजारिश करूंगा कि नमाज का एहतमाम और नमाज के साथ साथ कम अज कम हर नमाज के बाद, जिन नमाजों के बाद नवाफिल पढ़े जा सकते हैं मसलन जोहर मगरिब और इशा, इन तीन नमाजों के बाद दो दो रकत, कम अज कम दो दो रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ के अल्लाह से मदद मांगे। और जब आप याद कर रहे हों तो कोशिश करेंगे अगर आपके पास वक्त हो तो दो रकत नमाज नफल पढ़कर अल्लाह से दुआ करके उसके बाद याद करने बैठे। इंशाल्लाह आप इस अमल को ही अगर कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपकी खुसूसी मदद फरमाएंगे और कम वक्त में आप ज्यादा याद कर पाएंगे, और जो आप याद करेंगे वो इंशाल्लाह तादेर आपके दिमाग में महफूज रहेगा। अब अमल आपने ये करना है कि हर नमाज के बाद आपने इस अमल को इस तरह से करना है कि आपने नमाज पढ़ के फारिग होकर आप अगर घर में आ जाएं, मर्द हजरात घर में आ जाएं या वहीं मस्जिद में पढ़ लें, या घर का कोई भी फर्द इस अमल को कर सकता है। करना आपने इस तरह से है कि अव्वल आपने 11 मरतबा 11 टाइम्स आपने दुरूद पाक, कोई सा भी पढ़ सकते हैं लेकिन क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज्यादा है और नमाज में होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को बाकी दुरूद के अलावा ये दुरूद पाक जो कि दुरूद इब्राहिमी है, ये बाकी लोगों की निस्बत तमाम लोगों को ये याद है नमाज में होने की वजह से, इसलिए अव्वल आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आपने कुरान पाक पारा नंबर 30 सूरतुल अलक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इस मुबारक सूरत को एक मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने ये सूरा मुकम्मल पढ़ लेने के बाद आपने 11 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा और फिर 11 मरतबा रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये 11 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम करके अब वो पानी
अपने बच्चे को या अपने अगर आपके बच्चे दो तीन हैं, चार हैं, जितने भी हैं, तमाम बच्चों को पिला दें और खुद भी पी लें। इस अमल को रोजाना हर नमाज के बाद करने से इंशाल्लाह एक तो आपका दिमाग खुलेगा, आपकी याददाश्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी याददाश्त को कवि बना देंगे, आप जो याद करेंगे इंशाल्लाह तादेर आपको याद रहेगा और इम्तहानात में कामयाबी के लिए इंशाल्लाह इस अमल की वजह से आपको अच्छी और बेहतर कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएंगे। मैं एक मरतबा फिर से आपको बताता चलूं कि आपने हर नमाज के बाद इस अमल को करना है, यानी दिन में 5 मरतबा आप इस अमल को कर लें। ज्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर 5 मरतबा आप नहीं कर सकते तो कम मिकदार में भी, बेशक दिन में 1 मरतबा भी पढ़ें तब भी आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। लेकिन अगर हर नमाज के बाद इस अमल को करें और खुसूसी तौर पर नवाफिल पढ़कर अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह इससे और भी ज्यादा आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से गैबी मदद मिलेगी। तो आपने करना यह है कि अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरा इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, 11 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा, और 11 मरतबा रब्बी शराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। 16वें पारे में ये आयत है। इस आयत मुबारका को 11 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम करके अब वो पानी खुद भी पी लें, अपने बच्चों को भी पिला लें, अपने वालदेन को भी पिला लें, हर शख्स को, घर के हर फर्द को पिला लें, और अगर हो सके तो ये पानी आप ऐसे किसी बर्तन में डाल दें, वही गिलास भरा हुआ पानी ऐसे बर्तन में डाल दें कि जहां से घर के तमाम फर्द पानी पीते हों। ऐसा करने से इंशाल्लाह घर के हर फर्द के दिमाग को अल्लाह रब्बुल इज्जत कवि बना देंगे, हर फर्द के दिमाग को अल्लाह रब्बुल इज्जत कवि बना देंगे, उसकी याददाश्त को बेहतर बना देंगे और उसको इंशाल्लाह याददाश्त की जो उसमें कमी होगी या वो उसकी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसे याद नहीं होता, इस परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत दूर फरमा देंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद दूसरे मुसलमान दोस्त अहबाब भी इससे मुस्तफीद हो सके और उनकी दुआओं में आपको भी पूरा पूरा हिस्सा मिल सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।